हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दून एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है देहरादून से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल के बीच में चलती है, डेली ट्रेन है। अगर हम बात वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है दून एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है उत्तराखंड के देहरादून से हावड़ा जंक्शन पश्चिम बंगाल तक रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। अगर हम बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये उत्तराखंड के देहरादून से हरिद्वार, लक्सर, लखनऊ और बिहार के सोनपुर के थ्रू ये हावड़ा जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। दून एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 13010। ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और इसे ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। ये 35 घंटे में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 78 स्टेशन हैं और 1563 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 45 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें इसके दून एक्सप्रेस जो है इसमें ICF के नॉर्मल कोचेज जो है दिए गए हैं। और अगर हम बात करें दून एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो दून एक्सप्रेस का वो देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक का बताऊंगा, बाकी आप अपडेटेड किराया जो है रेलवे की वेबसाइट पर जाके जरूर चेक कर लें। सेकेंड एसी का जो किराया है वो है 2405 रुपये, थर्ड एसी का जो किराया है वो है 1640 रुपये और स्लीपर क्लास का जो किराया है वो है 610 रुपये। इसके अलावा इसमें जनरल अनरिजर्व डिब्बे भी हैं जिसका किराया जो है 350 रुपये के करीब है। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया है ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। सही किराया जानने के लिए आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म कर लें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं दून एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं देहरादून से हावड़ा जंक्शन तक इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। दून एक्सप्रेस जो है वो देहरादून से रोजाना रात के 8 बजे एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और इसके तकरीबन 78 स्टेशन हैं हावड़ा जंक्शन तक और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। दूसरा जो स्टेशन आता है इस ट्रेन का वो है डोईवाला। डोईवाला में ये ट्रेन जो है रात के 8:31 पर पहुंचती है और 8:33 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रायवाला स्टेशन में पहुंचती है। रायवाला जंक्शन में ये रात के 9:08 पर पहुंचती है और 9:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरिद्वार में पहुंचती है रात के 9:45 पर और 10:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 35 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है ज्वालापुर स्टेशन में पहुंचती है रात के 10:26 पर और 10:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है लक्सर जंक्शन में पहुँचती है। लक्सर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 10:55 पर पहुँचती है और 11 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नजीबाबाद जंक्शन में पहुँचती है रात के 11:40 पर और 11:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नगीना स्टेशन में पहुँचती है। नगीना स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 12:04 पर पहुँचती है और 12:06 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पर आके रुकती है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो धामपुर स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:24 पर और 12:26 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 160 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा जो है ये अपनी समाप्त कर लेती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सिहोरा स्टेशन में पहुंचती है रात के 12:41 पर और 12:43 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मुरादाबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:55 पे और 2:03 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 8 मिनट का स्टॉप है और यहां पर ये ट्रेन जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रामपुर स्टेशन में पहुंचती है। रामपुर जंक्शन में ये रात के 2:32 पे पहुंचती है और 2:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये नगरिया सदर स्टेशन में पहुंचती है रात के 3 बजे करीब और 3:01 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बरेली जंक्शन में पहुंचती है। बरेली जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 3:35 पर पहुंचती है और 3:38 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पीताम्बरपुर में पहुंचती है रात के 3:56 पर और 3:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है तिलहर स्टेशन में पहुंचती है। तिलहर स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 4:24 पर पहुंचती है और 4:26 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है एक नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शाहजहानपुर में पहुंचती है
सुबह 5:17 पे और 5:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 380 किलोमीटर की यात्रा जो है ये खत्म कर यहाँ तक पूरी कर लेती है देहरादून से। उसके बाद ये ट्रेन जो है रोजा जंक्शन में पहुँचती है सुबह 5:27 पे और 5:29 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अंजी शाहबाद में पहुंचती है सुबह 5:50 पे और 5:52 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है हरदोई स्टेशन में पहुंचती है। हरदोई स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 6:19 पे पहुंचती है और 6:21 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये बालामाऊ जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 6:48 पे पहुंचती है और 6:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये संदीला स्टेशन में पहुंचती है सुबह के 7:11 पे और 7:13 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और यहाँ पर ये ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दून एक्सप्रेस जो है वो लखनऊ चारबाग स्टेशन में पहुंचती है। यहाँ पर ये ट्रेन जो है सुबह 8:35 पे पहुंचती है और 8:35 पे पहुंचती है और 8:45 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। बाराबंकी जंक्शन में ये सुबह 9:20 पे पहुंचती है और 9:22 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सफदरगंज स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:41 पे और 9:42 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दरियाबाद स्टेशन में पहुंचती है सुबह 9:58 पे और 1 मिनट बाद वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है और 611 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रुदौली स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:17 पे और 10:19 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोवाल स्टेशन में पहुंचती है सुबह 10:40 के करीब और 1 मिनट बाद 10:40 पे ही वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है फैजाबाद जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:05 पे और 11:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है आचार्य नरेंद्र देव नगर में पहुंचती है सुबह 11:20 पे और 11:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो अयोध्या जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:30 पे और 11:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोसाईगंज में पहुंचती है दोपहर के 12:01 पे और 12:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है अकबरपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:21 पे और 12:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 4 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है मालीपुर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 12:44 पे और 12:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है और 752 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिलवई स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 1:23 पे और 1:24 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है शाहगंज जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 1:33 पे और 1:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है खेतासराय में पहुंचती है दोपहर के 1:53 पे और 1:54 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जौनपुर जंक्शन में पहुँचती है दोपहर के 2:21 पे और 2:23 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जाफराबाद जंक्शन में पहुँचती है दोपहर के 2:42 पे और 2:44 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जलालगंज में पहुंचती है दोपहर के 3:03 पे और 3:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। खालिसपुर में ट्रेन जो है 3:24 पे पहुंचती है और 3:25 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका भी यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो बाबतपुर स्टेशन में पहुंचती है दोपहर के 3:34 पे और 3:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है वाराणसी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:05 पे और 4:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है काशी स्टेशन में पहुंचती है शाम के 4:29 पे और 4:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या मुगलसराय में पहुंचती है शाम के 5:10 पे और 5:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर इंजन भी चेंज होता है। उसके बाद ये ट्रेन जो है चंदौली मझवार स्टेशन में पहुंचती है यहां पर ये ट्रेन जो है शाम के 5:45 पे पहुंचती है और 5:46 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद ये ट्रेन जो है शायद राजा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 5:55 पर, और 5:56 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बिहार में करम नासा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:05 पर, और 6:06 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्गौती स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:16 पर, और 6:17 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बाबुआ रोड स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:26 पर, और 6:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है कुद्रा स्टेशन में पहुंचती है शाम के 6:44 पर, और 6:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सासाराम जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:04 पर, और 7:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका भी यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है देहरी ऑन सोने में पहुंचती है शाम के 7:21 पर, और 7:23 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, और 1006 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सोननगर जंक्शन में पहुंचती है शाम के 7:29 पर, और 7:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो अनुग्रह नारायण रोड स्टेशन में पहुंचती है। यहां पर ये ट्रेन जो है शाम के 7:40 पर पहुंचती है, और 7:41 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो फेसर स्टेशन में पहुंचती है शाम के 7:50 के करीब, और 7:51 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है जाखिम स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:02 पर, और 8:03 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रफीगंज स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:02 पर, और 8:03 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गोरारू स्टेशन में पहुंचती है रात के 8:26 पर, और 8:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है गया जंक्शन में पहुंचती है, गया जंक्शन में ये रात के 9:10 पर पहुंचती है, और 9:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। तनकुप्पा स्टेशन में ये रात के 10 बजे करीब पहुंचती है, और 10:01 पर वहां से रवाना हो जाती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पहाड़पुर में पहुंचती है रात के 10:12 पर, और 10:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दून एक्सप्रेस जो है कोडरमा जंक्शन में पहुंचती है रात के 10:51 पर, और 10:53 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पारसाबाद स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:12 पर, और 11:14 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो हजारीबाग रोड में पहुंचती है जो कि झारखंड का एक स्टेशन है। यहां पर ये रात के 11:31 पर पहुंचती है, और 11:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन पारसनाथ स्टेशन में पहुंचती है रात के 11:54 पर, और 11:56 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन गोमऊ जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:18 पर, और 12:28 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है धनबाद जंक्शन में पहुंचती है रात के 1 बजे करीब, और 1:10 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है बराकर स्टेशन में पहुंचती है रात के 2 बजे करीब, और 2:01 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो पश्चिम बंगाल के आसनसोल जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:25 पर, और 2:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है रानीगंज जंक्शन में पहुंचती है रात के 2:45 पर, और 2:47 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है दुर्गापुर स्टेशन में पहुंचती है रात के 3:07 पर, और 3:09 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, और 1391 किलोमीटर की यात्रा जो है ये कवर कर चुकी होती है। उसके बाद ये ट्रेन जो है पानागढ़ स्टेशन में पहुंचती है रात के 3:20 पर, और 3:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो अपने अगले स्टेशन बर्धमान जंक्शन में पहुंचती है सुबह 4:21 पर, और 4:26 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है भंडेल जंक्शन में पहुंचती है सुबह 5:40 पर, और 5:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है।
उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो चंदन नगर स्टेशन में पहुंचती है सुबह 5:52 पे और 5:54 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद ये ट्रेन जो है सरमपुर शेरमपुर या श्री रामपुर में पहुंचती है सुबह 6:07 पे और 6:09 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। उसके बाद दून एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन हावड़ा जंक्शन में पहुंचती है सुबह 7 करीब और 13 प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 1561 किलोमीटर की कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर अभी तक यहां तक आपने वीडियो देख ली है, और लाइक और शेयर जरूर कर दें बाकी अन्य वीडियोस को भी ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचती रहे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर अभी तक आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।